वेलकम टू ईशानी वीडियोस। वैसे आज हम आपके लिए लाए हैं बेपनाह प्यार से एक जुड़ी एक ऐसी खबर जिसको सुनकर आप खुश हो जाएंगे। शायद से आप में से कई लोगों को पता भी चल गया होगा, लेकिन यहाँ पर चलिए अगर आपको नहीं पता हम बता देते हैं। बेपनाह प्यार ने ऑनलाइन टीआरपी के अंदर टॉप 5 के अंदर ले ली है एंट्री। अभी आपने देखा ही होगा कि बेपनाह प्यार सीरियल जल्दी ही शुरू हुआ है और उसके बाद में यहाँ पर नागिन सीजन 3 के ख़त्म होने के बाद में कलर्स टीवी के कई सारे ऐसे शोज़ हैं जो कि अब धीरे धीरे करके उनकी टीआरपी अब ऊपर चढ़ने लग गई है। उनमें से एक शो है यहाँ पर बेपनाह प्यार की अब स्टोरी लोगों को समझ में आने लग गई और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लाया जा रहा है जिसकी वजह से लोग पसंद कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें आखिर में पर्ल भी पुरी का जादू अभी तक छाया हुआ है और यहाँ पर दूसरे स्टार्स हैं वो भी बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। इशिता दत्ता अपर्णा दीक्षित की यहाँ पर जो जोड़ी दिखाई जा रही है और उसके बाद में पर्ल भी पुरी यहाँ पर बीच में आए हैं और यहाँ पर सुकन्या का रोल निभाने वाली यहाँ पर एक्ट्रेसेस जो हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से अपना रोल निभा रही हैं। यहाँ पर बात करें इनकी टीआरपी रेटिंग बढ़ने की वजह तो आपको बता दें यहाँ पर अब ये शो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। इंटरेस्टिंग शो के अलावा यहाँ पर अब ये नया शो है इसकी वजह से लोग देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी कर रहे हैं। आगे हो सकता है ये टॉप 5 के बाद में टॉप 3 के अंदर एंट्री ले और यहाँ पर पूरी तरह से नंबर 1 पर भी आ जाए। और वैसे आपको बता दें कलर्स टीवी अभी जो नंबर 3 पर चल रहा है सभी चैनल्स में नंबर 3 और नंबर 4 की पोजीशन उसे मिलती है। अभी पहले वो नंबर 1 पर था लेकिन अभी इस बार जी टीवी आ चुका है नंबर 1 पर, उसके बाद में नंबर 3 पर कलर्स टीवी है। कलर्स टीवी के शोज धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे कलर्स टीवी भी आगे बढ़ेगा, उसके हिसाब से यहाँ पर वो आते रहेंगे नंबर 1 और 2 और 3 पर। वैसे आपको कैसी लगी अपडेट कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे आने वाले अपडेट के बारे में चलिए हम आपको थोड़ी बहुत हिंट दे देते हैं कि क्या देखने को मिलने वाला है आपको आने वाले एपिसोड में। तो यहाँ पर आपको बता दें जो केमिस्ट्री दिखाई जा रही है यहाँ पर पल्लवी पुरी, उसके बाद में सुकन्या और उसके बाद में यहाँ पर इशिता दत्ता की, यानी यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको वो केमिस्ट्री देखनी हॉरर फिल्म जैसी। तो आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये केमिस्ट्री देखने के लिए फिर से कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। थैंक यू।